Which? Which? Assalamualaikum and welcome back again. कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि इस टाइम जो है ना, मेरी जो कैट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी है. इनफैक्ट वो लेबर में जा चुकी है. मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था, बट मुझे इसकी कंडीशन से ये ज़रूर लग रहा था. और मैंने कॉन्ट्रैक्शन तब फील भी नहीं की. ये अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब मैंने देखा कि इसको कॉन्ट्रैक्शन तो तभी स्टार्ट हो गई थी जब ये बेड पर जाके लेटी है. और इतनी अच्छी मेरी कैट है ना कि जैसे उसको कॉन्ट्रैक्शन फील हुई तो बेड से उतर आई. हालांकि मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि ये लेबर में जा चुकी है उस वक्त. बट इसकी कंडीशन देख के ना मैं श्योर थी कि आज इसकी डिलीवरी किसी वक्त भी हो सकती है. बट स्टिल, क्योंकि मैं जिस चीज़ को कहती ना ये हो जाएगा काम, तो वो एक दो दिन डिले हो जाता है. तो यही था कि शायद एक दो दिन डिले हो जाए. बट मेरी जो सिक्स सेंस है ना, वो कह रही थी कि आज जो है ना कैट डिलीवर कर देगी किचन्स को. एनीहाउ, मैं अभिया को सुलाने चली गई रूम में. जब मैं बाहर आई तो हर जगह मुझे यूरिन नज़र आ रहा था और मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि ये बिल्कुल भी लिटर से बाहर नहीं करती है. और यूरिन का कलर थोड़ा सा ना जैसे ब्लड मिक्स होता है वैसे था. मैंने इमीडिएटली कैट को उठाया, बॉक्स में बैठाया, सारा सब चीज़ें पहले नीट एंड क्लीन की और फिर मैं आके कैट के पास बैठ गई. अब इतनी पेनफुल इसकी कंडीशन है ना, मुझे आइडिया नहीं था कि भाई इतनी जो है लेबर इसकी भी पेनफुल होती है कैट की. आई वॉज़ लिटरली लाइक अमेज कि अल्लाह पाक ने माँ का दर्जा वाकई इसलिए रखा है कि भाई वाकई वो बहुत स्ट्रगल करती है. वो चाहे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं या वो एनिमल्स हैं, तो मदर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. और जैसे ही मैं खड़ी होती थी ना रूम से बाहर जाने के लिए, ये बॉक्स से बाहर आ जाती थी. तो फिर मुझे सारा टाइम इसके पास बैठना पड़ा ताकि ये बाहर नहीं आए बॉक्स से और कंफर्टेबल फील करे. डिलीवरी के करीब ये अपने आप को बहुत लिक करती हैं, स्पेशली जब इनको होता है कि ये लेबर में जा चुकी हैं. तो ये जहाँ से बेबी ने डिलीवर होना है उस एरिए को, उस पार्ट को बहुत ज़्यादा लिक करती हैं. सो ये एक इंडिकेशन है कि अभी डिलीवरी होने वाली है. और मुझे कैसे पता चला कि मेरी कैट प्रेग्नेंट है? क्योंकि मैंने इसमें बहुत चेंजेस फील करना शुरू कर दी. फिर मैंने पूरा जो गूगल है ना वो छान मारा और आई केम टू नो फ्यू पॉइंट्स, जिसमें एक ये था कि ये इनके जो निपल्स होते हैं वो पिंक होना शुरू हो जाते हैं अगर ये प्रेग्नेंट है. और डिलीवरी के करीब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लेबर में जाने वाली है, ये डिलीवरी करीब है? वो इस तरह से पता चलता है कि जो इनके निपल्स हैं वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनमें मिल्क भर जाता है. एंड लुक एट द फेस, इतनी ज़्यादा इस वक्त मेरी कैट जो है ना वो पेन में थी. कैट वॉज रियली स्ट्रगलिंग, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था टाइमिंग्स का कि भाई कितनी देर में डिलीवर होगा. बट बहुत टाइम हो गया था, लाइक अब तक जो है ना हाफ एन आवर हो चुका हुआ था अब मुझे कैट के पास बैठे हुए और उसको लेबर में गए हुए. एंड दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, जिसमें शदीद किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं अनबेरेबल पेन के साथ और वो क्लियरली आपको नज़र आ रहा होता है. और वो जो उस टाइम मेरी हालत थी ना, जो मेरी कंडीशन थी, वो मैं तो आपको बयान ही नहीं कर सकती. मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे, डर लगता है ऑब्वियसली आपको.
जैसे ही किटन डिलीवर होगा ना, तो जो मदर है ना वो बहुत अच्छे से उसको लिक करेगी, इतना लिक करेगी कि आप देख सकते हैं ये अभी वेट है। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बिल्कुल बेबी ड्राई हो जाएगा, उसको नीट एंड क्लीन कर देगी, ड्राई कर देगी और प्लेसेंटा जो है खा जाएगी। और अब आप ये देखिए, बेबी जो है वो हल्का हल्का सा आपको ड्राई ड्राई सा फील होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि बेबी स्ट्रगल कर रहा था फीड करने के लिए, ऐसे होते क्योंकि वो अभी लेबर में होती हैं, अभी और किटन्स भी पैदा होंगे जो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, तो अभी वो खुद लेबर में होती है, तो अभी बेबी जो होता है ना, बेबी किटन होता है, वो अच्छे से फीड नहीं कर पाता, तो इसलिए ये आपको करना होता है कि आप किटन को उठाएँ और प्रॉपर तरीके से ना उनको फीड करवाएँ। बाज़ूकत मदर्स नहीं करवाती हैं, तो वो सारा सीन्स मैंने स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी तो उसको मैं फॉलो कर रही थी। और एक ये भी था कि आपने जो है ज़्यादा बच्चे को पकड़ना नहीं है, इससे ये होता है कि मदर जो होती है वो डिसऑन भी कर देती है। क्योंकि मेरी कैट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी मेरे साथ, इसलिए उसने ना रिएक्ट किया कुछ और ना वो म्याऊ कुछ नहीं उसने किया, बड़े तामल से बैठी रही और आराम से जो है ना मैंने किटन को एडजस्ट कर दिया ताकि वो फीट ले सके प्रॉपरली। अब चूँकि मदर जाहिर है थक गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको ताकत की ज़रूरत है, वो खाने से मिलेगी, तो इस तरह की जो ट्रीट्स होती हैं ये लाजमी रखें। क्योंकि नॉर्मली होता है ऐसे कि वो फीड नहीं लेती हैं, जैसे कि मैंने भी पहले उसको बिस्किट्स वगैरह जो उनके होते हैं कैट फूड होता है वो दिया, बिल्कुल भी नहीं इसने खाया, तो फिर मैं इस तरह से जिसकी ट्रीट है वो मैंने रखी हुई थी तो वो मैंने इसको खिलाई थी, इसने बहुत मज़े से और आप देख सकते हैं कितने शौक से खा रही है। तो इस तरह से क्योंकि लेबर बहुत लंबी जाती है, अब तक मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हुए थे। इसके अलावा जैसे ही बर्थ हुई ना, मैंने इसकी पिक्चर खींच के सबसे पहले बिनेश को भेजी, तो बिनेश फौरन दौड़ती हुई आई कि किटन्स आ गए हैं, तो मैंने कहा नहीं अभी एक ही किटन आया, तो मैंने आपको साथ ही पिक्चर भेजी है। तो खैर वो आ गई थी तो मुझे हौसला हो गया था, क्योंकि अभी आप बहुत रो रही थी इस वक्त, बहुत तंग कर रही थी मुझे, तब इसको चेंज वगैरह करा के ना मैं बिनेश को हैंड ओवर कर देती हूँ। बाकी जो है ना मैं छोटे मोटे घर के काम कराती हूँ, क्योंकि आपको पता है सारे काम भी करने हैं और वो लाजमी करने हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा था कि जो कपड़ा है ना, ये जो इसके नीचे है ये वाइट वाला, ये मैं चेंज कर दूं और मैं दूसरा कपड़ा रखूं, बट मैंने क्योंकि स्टीन्स ऊपर है तो नीचे तक गए होंगे, तो नीचे भी जो मैंने रखी हुई थी चीज़ें वो भी सारी मैंने रिमूव की और फिर मैंने सारा इसका जो बॉक्स के कपड़े चेंज करके बिल्कुल कम्फर्टेबल माहौल प्रोवाइड किया कैट को, ताकि वो अपना नेक्स्ट किटन जो है वो डिलीवर कर सके। कैट इतना ज़्यादा थक गई थी कि वो बीच में सो गई थी, आप देख रहे हैं वो सो गई है स्ट्रगल कर करके। अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी हुई थी, मैंने जो छोटा मोटा काम करना था वो भी कर रही थी, मैं चेंज वगैरह भी कर लिया था, मैंने सोचा इसको बिस्किट्स वगैरह खिलाती, बल्कि बिल्कुल इसने जो है बिस्किट्स को मुंह नहीं लगाया, तो फिर मैंने जो इसकी फेवरेट ट्रीट है वो लेकर आई, तो फ़ौरन ये देख के खाने लग गई थी, तो मैंने कहा ये खा ले तो इसकी एनर्जी लेवल अप हो। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा खाती है ना, इससे भी इनको काफ़ी एनर्जी मिलती है, इसलिए बिल्कुल भी प्लेसेंटा आपने किटन से रिमूव नहीं करना, आप बिल्ली को प्लेसेंटा खाने दें, इससे इसकी एनर्जी जो है वो मेनटेन रहती है। और यहाँ पर फिर से 30 से इस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी, तो और मैं बिनेश को फील करवाने कि ये देखो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन फील होती हैं, तो अब हाथ लगा के महसूस कर रही थी, कहती हाँ जी ऐसी बिल्कुल मैं फील कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्शंस को। और अब जो है ना कैट जो है वो कैट फीड भी ले रही थी और मुझे ज़्यादा तसल्ली मिल रही थी, क्योंकि मुझे लगता है इनमें ज़्यादा एनर्जी है ये जो फ्रिस्कीज है ना, तो मुझे ये था कि थोड़े से ये खा ले, और अल्लाह का शुक्र इसने थोड़े से भी खाए थे, तो इसको जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो गई थी। Good boy.
बब्बू बब्बू, अब मैंने कैट को बॉइल्ड चिकन के की दिया जो बोनलेस होता है वो इसको थोड़ा सा खिलाया है, साथ में मैंने चिकन ब्रोथ जो होता है वो इसको पीने के लिए दे रही हूँ ताकि इससे जो इसकी प्यास लगी होगी वो भी बुझ जाए और साथ में इसको एनर्जी भी मिले। और दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने पूरी एक ट्रे बनाई हुई जिसमें वेट टिश्यूज़ हैं, ग्लव्स हैं और साथ में कैट फूड है, उसकी ट्रीट है, तो सब चीज़ें मैंने ट्रे में रख कर तो साइड पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर ये कैट देखिए कितनी ज़्यादा थक गई है, कैसी इसकी कंडीशन है, और अभी तीसरे किटन की बर्थ होनी है। अब कैट इतनी ज़्यादा पेन में होती है उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके जो किटन्स उसने जो पहले पैदा किए हैं वो नीचे आकर उनको भी, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, पर वो इतनी वालेहाना मूव करती है ना कि डर लगता है। तो बस किटन्स को बार बार साइड पे करना पड़ रहा था ताकि वो नीचे आके उन्हें कुछ ना हो जाए, तो मैं उठा उठा कर साइड पर रख रही थी ताकि खैर खैरियत से वो भी रहें और जो नया किटन आ रहा है वो भी खैर खैरियत से पैदा हो जाए। तो यहाँ पर जो तीन माशाल्लाह से किटन्स पैदा हो चुके हुए थे और तीनों डिफरेंट है, एक मतलब मदर पे तो बिल्कुल भी कोई नहीं किया, एक वाइट और ब्लैक है और एक थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक वाइट मिक्सचर है, अभी क्लियर नहीं तो हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। तो अब ये जो है कैट इन्हें फीड करवा रही है, कितना ये क्यूट मुझे लग रहा था जब मैंने मोमेंट कैप्चर किया। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो सारी स्ट्रगल मेहनत है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।